हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 6 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो डिस्कशन है वो लेट हो गई है, देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। पहली जो हमारी न्यूज़ है वो आई है, दो आईटी इनिशिएटिव हैं, दो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक का नाम है आइस डेस्क और दूसरों का है अतिथि। देखो, हमारे देश में जो भी सामान आता है आपको पता है बाहर से, तो उसके कस्टम को क्लियरेंस करवाना पड़ता है, और उसी के लिए दो प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से आईटी इनिशिएटिव है, वो स्टार्ट किए गए हैं ताकि कस्टम जो क्लियरेंस आता है, इम्पोर्टेड जो गुड्स होते हैं, जो भी आयातित सामान होता है इंटरनेशनल पैसेंजर्स वगैरह का, या फिर और भी हम बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं सामान, उसको कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, जल्दी से जल्दी उनको वेरीफाई करवाने हो, इन सब के लिए प्लेटफॉर्म है वो तैयार किए गए हैं। देखो, जो अतिथि यह है प्लेटफॉर्म है, ये तो इसलिए बनाया गया है ताकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट, नाम से पता चलता है अतिथि, यानी कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और भी जो विजिटर्स आते हैं इंडिया में एयरपोर्ट के थ्रू, तो उनके पास जो भी सामान है उसका कस्टम क्लियरेंस करवाना हो, तो वो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम है अतिथि ऐप। और जो आइस देश है, इसका मोटो ये है कि हमारे देश में देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और इसके तहत आपको पता है कि हम काफ़ी सारा सामान बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो जो इम्पोर्ट सामान होता है पोर्ट वगैरह पे, उसको भी कस्टम क्लियरेंस करवाना जरूरी होता है, और उसी के लिए बनाया गया है जो है आइस देश प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखना, आइस देश प्लेटफॉर्म है वो तो इसलिए है ताकि जो पब्लिक यूज के लिए सामान मंगाया है कस्टम से इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका कस्टम क्लियरेंस करा जा सके, जो भी इंपॉर्टेंट कार्गो वगैरह है पोर्ट्स और एयरपोर्ट पे दोनों पे। और अतिथि ऐप है वो इसलिए है कि भाई जो इंडिविजुअल जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं एयरपोर्ट पे, उसका जो कस्टम क्लियरेंस है वो करवाया जा सके। तो यह दो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है, एक मेंढक की नई प्रजाति है फ्रॉग की, वो डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है यहाँ पे पोलिपेडेट्स बेंगोलियोसिस। देखो, यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि ये डिस्कवर कहाँ पे की गई है, तो ये प्रजाति है मेंढक की या फ्रॉग की, ये डिस्कवर की गई है वेस्ट बंगाल में। कौन से जीन से बिलोंग करती है, जीन का नाम आप एक बार ध्यान रखना, जिसका नाम है पोलिपेडेट्स। तो पोलिपेडेट्स जीन से बिलोंग करती है मेंढक की प्रजाति। इसको दूसरा नाम भी है, वो है ब्राउन ब्लॉचेड बंगाल ट्री फ्रॉग, बंगाल ट्री फ्रॉग के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो, जो पोलिपेडेट्स जो यहाँ पे जीन प्रजाति के फ्रॉग हैं, मेंढक हैं, इनकी लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 स्पीसीज तो पाई जाती हैं, और जो भी नई डिस्कवर की गई है 26वीं, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो पोलिपेडेट्स बेंगोलियोसिस, मतलब बंगाल के नाम पे इसका नाम रखा गया है बेंगालियोसिस। इसका जो कलर है वो येलो विस्क और ब्राउन कलर का यहाँ पे होता है ग्रीन सेट का। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि कहाँ पे डिस्कवर है वो की गई है। नेक्स्ट देखो, आपके लिए क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स 2018 में यूपीएससी ने पूछा था, क्योंकि कल हमने जो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। देखो, मैंने जैसा आपको बताया भी था कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा आपको यहाँ पे पार्ट लग रहा है, कौन सी मिस्टेक है, कैसे हम अपनी डिस्कशन को और बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या हम हमारे डिस्कशन में इंक्लूड है वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप लोगों का जो यहाँ पे फीडबैक है वो मेरे को मोटिवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल प्रोवाइड कराते हैं, तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वीडियो में कहाँ कमी है, और क्वेश्चंस वगैरह का आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताएं। पहला ही देखो स्टेटमेंट ये है IRNS के बारे में, कि जो IRNS है इसमें 3 सैटेलाइट हैं, एक तो है यहाँ पे जियो स्टेशनरी में 3, तो और जो 4 सैटेलाइट हैं वो हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि IRNS है वो कंप्लीट इंडिया को कवर करेगा, और इंडिया के बाहर जो 5500 किलोमीटर का एरिया है, मतलब जैसे ये इंडिया हो गया तो इसके बाहर जो 5500 किलोमीटर की रेडियस होगी, इस हिस्से को पूरे को ये कवर है वो करने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया का एक खुद का सेटेलाइट सिस्टम है जो कि पूरे ग्लोबल कवरेज को इंक्लूड है वो करने वाला है 2019 तक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आप एक बार सोचिए। देखो, आपको जैसा पता होगा आई थिंक कि जो ये सैटेलाइट है IRNS या नाविक है वो इंडिया के बाहर है वो 1500 किलोमीटर तक काम करेगा, ना कि 5500। मतलब कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आप सेकंड को हटाओगे इसका मतलब बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचता है ए और डी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पे, देखते हैं तीसरा ऑप्शन। देखो क्या कह रहा है कि इंडिया वो फुल ग्लोबल कवरेज डिसाइड कर लेगा 2019 मिड तक। ये स्टेटमेंट भी देखो गलत है, क्योंकि 2020 से तो ये एक्टिव फॉर्म में आने वाला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, और पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसमें टोटल 7 सैटेलाइट हैं, 3 तो हैं जियो स्टेशनरी और 4 हैं यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है गहीर मत्था मरीन सेंचुरी के बारे में। देखो जो गहीर मत्था मरीन सेंचुरी है ये उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उड़ीसा का जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस वाले कोस्ट में, मतलब उड़ीसा कोस्ट पे यह स्थित है और यहाँ पे काफी सारे रिवर्स आती हैं। धामिया रिवर है, यहाँ पे महानदी रिवर डेल्टा बनाती है, तो इसमें ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे है गहीर मत्था मरीन सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गहीर मत्था जो मरीन सेंचुरी है ये ओलिव रेडली जो टर्टल होते हैं उनकी नेस्टिंग के लिए काफी फेमस है और उसी लिए मैं काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। अभी न्यूज ये आई थी कि गहीर मत्था जो मरीन सेंचुरी है इसमें जो टूरिस्ट वगैरह है या फिर और भी जो लोग यहाँ पे मतलब फिशिंग वगैरह करते हैं वो कम्प्लीटली बंद कर दी गई है कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम है वो ओलिव रेडली जो टर्टल्स हैं इनके अंडे देने का टाइम है, नेस्टिंग का है, इसीलिए आसपास के एरिया में फिशिंग को बंद किया गया है ताकि जाल वगैरह में कछुए फंसे ना। लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पे है, यहाँ पे लोकेशन यूपीएससी पूछ सकती है। देखो इसको जो मरीन सेंचुरी है वो 1997 में डिस्कवर किया गया था और यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओलिव रेडली रोकरी है। मतलब यहाँ पे ओलिव रेडली टर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ पे वो नेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो एक लार्जेस्ट साइट यह वर्ल्ड की बन जाती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो ओलिव रेडली टर्टल। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है। देखो ओलिव रेडली टर्टल है वो एक कछुए की प्रजाति है जो कि काफी छोटा कछुआ होता है और मोस्टली है काफी जगह है वर्ल्ड में या सीज में काफी बार मतलब बहुत तायद में पाया जाता है और ये गर्म पानी में पाया जाता है। ये ध्यान रखना कि इनका जो आवास है ओलिव रेडली टर्टल्स का वो वार्म वाटर में होता है, कहाँ पे? पैसिफिक, एटलांटिक और यहाँ पे जो इंडियन ओशन है इसमें मेनली पाया जाता है। आईयूसीएन में इसकी हम बात करें प्रोटेक्शन की तो इसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके शेड्यूल फर्स्ट में प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब इंडिया में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। और इसके लिए जो कोस्ट गार्ड हैं वो एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा इसलिए चलाया जाता है हर साल ताकि जो उनकी टेनेस्टिंग वगैरह होती है कछुओं की यहाँ पे जब ये अंडे देने आते हैं मतलब बीच पे, तो उनको बचाया जा सके और उनको नुकसान है वो ना पहुंचे टूरिस्ट वगैरह के थ्रू, उनको काउंटर करने के लिए प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। और अगर हम कुछ फैक्ट को और देखें तो देखो जो ओलिव रेडली टर्टल्स हैं ये अपनी जो नेस्टिंग करने आते हैं अंडे देने आते हैं बीच पे तो इनके कहा जाता है एरीबाडा। तो यूपीएससी ये पूछ सकते हैं कि एरीबाडा क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ओलिव रेडी टर्टल्स हैं वो उड़ीसा कोस्ट पे जो यूनिक है मतलब जो बहुत ही बहुतायत में आते हैं एक साथ नेस्टिंग करने अंडे देने, उसको कहा जाता है एरीबाडा। एरीबाडा में क्या होता है, काफी सारे फीमेल कछुए हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं बीच पे और फिर वहां पे अंडे हैं वो देके वापस समुद्र में चले जाते हैं। कहाँ पे है पाया जाता, जैसा मैंने आपको बताया कि उड़ीसा कोस्ट पे है बट वो बंगाल वाले हिस्से में मैंने लिए पाए जाते हैं। और जो ओलिव रेडी टर्टल्स हैं ये तीन इनकी मेजर नेस्टिंग साइट है जहाँ पे अंडे देते हैं। एक तो गहीर मत्था जो रॉकी है, जैसा मैंने आपको बताया कि गहीर मत्था मरीन सेंचुरी है वहां पे जो कि ब्राह्मणी और यहाँ पे बेतरणी रिवर के किनारे पे। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि कौन से रिवर के किनारे पे है, ये ध्यान रखना ब्राह्मणी और बेतरणी रिवर के किनारे पे है गहीर मत्था मरीन सेंचुरी। नेक्स्ट जो साइट है वो है देवी रिवर माउथ, देवी रिवर के किनारे पे। और थर्ड है वो है रुसुकिलिया रिवर माउथ, मतलब इन तीन साइट्स पे ओलिव रेडी टर्टल्स हैं वो अंडे देने आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है इसको लेके ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है ग्लोबल माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो ये हम देख लेते हैं क्या है। रिपोर्ट वैसे जारी की जाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। ये जारी की जाती है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसको 1946 में स्थापित किया गया था वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, मतलब कि कैसे चैलेंजेस आएंगे कैसे हमें निपटना है उसके लिए इसका निर्माण है वो किया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। देखो ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश की गई थी 2007 में। पहले तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, मतलब कि वित्तीय समावेशन। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप ये देख सकते हो कि जो आम लोग हैं उनके पास बैंकिंग सिस्टम के जो फाइनेंस के मेथड्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम की पहुंच है वो कितनी आसानी से है। जैसे कि हम आज से बात करें 10-15 साल पहले तो लोगों के पास बैंकों की एक्सेस बहुत कम होती थी, लोग बैंकों में अकाउंट नहीं होता था, उनके पास चेकबुक वगैरह नहीं होती थी, काफ़ी सारे मतलब नेट बैंकिंग ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जबकि आज के हैं आज ऑलमोस्ट हर आदमी के पास एक तरीके से अपना खुद का बैंक अकाउंट है, उनकी खुद की चेकबुक वगैरह होती है, खुद की ही हम बात करें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, इसी के साथ ही उनको और भी तो बैंकिंग सर्विस हैं वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन कि भाई वित्तीय समावेशन है, आम जनता तक फाइनेंशियल की जो सर्विस है वो पहुंच रही है, इसको कहा जाता है फाइनेंस इंक्लूजन। देखो इंडिया की जो रैंकिंग है इस
माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट में वो आई है 5वीं रैंकिंग है। तो ये आप ध्यान रखना कि इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अभियान भी चलाए थे, जनधन आधार मोबाइल प्रोग्राम चलाए गए थे, इसके तहत हमारे देश में वित्तीय समावेशन पे बहुत अच्छी एक्सेस है प्रोवाइड है वो यहाँ पे करवाई गई है। मतलब कि वित्तीय समावेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी को लेकर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ARLS यानी कि एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। देखो न्यूज ये आई है कि इंडिया और रसिया ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। देख लेते हैं क्या इंडिया और रसिया है दोनों आपस में अपने जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं इसका एक दूसरे को सपोर्ट है सप्लाईज है वो प्रोवाइड करवाएंगी। मतलब इंडिया के जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं इनका रसिया यूज कर सकेगा और रसिया के प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज है वो इंडिया कर सकेगा जब भी दोनों को जरूरत है वो होगी। इस एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। यूपीएससी पूछ सकती है कि एग्रीमेंट है वो किसका है कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो ये इंडिया और रसिया के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो हम बात करें एग्रीमेंट है वो क्या काम प्रोवाइड करेगा, इंडिया और रसिया के बीच में जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं सप्लाई में जैसे कि फ्यूल हुआ या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट हुआ, जैसे इंडिया का शिप है मान लो रसिया की साइड जा रहा है तो वहां से वो फ्यूल ले सकता है वहां के पोर्ट वगैरह से, या फिर वहां पे जो ऑपरेशन वगैरह चला रहे हैं मिलिट्री तो वहां पे वो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके के एग्रीमेंट साइन है वो किया गया है। अगर हम इसके कुछ और बेनिफिट की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट होंगे म्यूचुअल सिग्निफिकेंस के या जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया इसका, तो एक तो ये हो जाएगा कि इंडिया का कोई भी शिप अगर रसिया की तरफ जा रहा है तो उसको वहाँ पे फ्यूल वगैरह हो या एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी पोर्ट के थ्रू सप्लाई वगैरह हो। और इसी के साथ एक चीज़ ये ध्यान रखना केवल यह नेवी के लिए नहीं है, यह एयरफोर्स के लिए भी है, ये आप ध्यान रखना। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ये केवल नेवी के लिए या पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं जो एयरपोर्ट्स हैं रनवे हैं वो भी एक्सेस है यहाँ पे उनकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आप ध्यान रखना कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनकी एक्सेस है वो भी यहाँ पे दी जाएगी। रसिया के जो पोर्ट्स हैं उनका इंडिया यूज कर सकेगा, जैसे कि आपको पता है कि आर्कटिक सर्किल में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं तो इंडिया उन रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सेस है वो कर पाएगा इसकी हेल्प से, रसिया के जो पोर्ट वगैरह हैं उनकी हेल्प से। इसी के साथ ही इंडियन पोर्ट्स हैं जो इंडिया के एयरबेस हैं उनका रसिया भी यूज कर सकेगा। तो आपस में हम यहाँ पे समझ गए कि भाई इंडिया वो एक तरीके से एक्सेस मिल जाएगी एनर्जी रिसोर्सेज की आर्कटिक सर्किल में, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी ये बात है वो हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म के बारे में। न्यूज ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसने अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म। और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, ये बनाया है IBM। देखो IBM है वो आपको पता है कि कंप्यूटर के सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ हम बात करें कि जो IT सेक्टर की बात बोल सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है वो US की और काफ़ी अच्छे काम है वो कर रही है। तो उसके साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो एक तो UPSC यहाँ पे ये पूछ सकती है कि जो कौन सा ये जो स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म है ये किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, फेसबुक और इंडिया की तरफ से, नहीं ये IBM और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प से। इसे लॉन्च किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा जो कि एक एजेंसी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। देखो इस प्रोग्राम में होगा क्या, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली डाटा प्रोवाइड करवाएगा, एक है प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाएगा कि हमारे देश में जो लोग हैं यूथ हैं इनको स्किल है वो प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो इसके लिए क्या है कि जो नेटवर्किंग और जो क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड्स हैं ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे IBM के द्वारा, और फिर इंडिया में जो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करेंगे, एक डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे आम जनता के लिए जिनको स्किल की ज़रूरत है वो। तो 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होगा और इसमें क्या होगा उनको नेटवर्किंग क्लाउडिंग कंप्यूटर कैसे काम करती है कैसे इसमें स्कोप है, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो कि आपको पता है 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात करें वहाँ पे नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। तो इसी सेक्टर में स्किल प्रोवाइड कराने के लिए 2 साल का डिप्लोमा होगा जो कि IBM की हेल्प से प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो इंडिया के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसकी हेल्प से हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट का काम है वो बढ़ाया जाएगा। तो उसी को लेकर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।